देखो क्वेश्चन है जेई मेंस 25th जन सिफ्टो का क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ समेशन के इज इक्वल टू 0 टू 651 माइनस के सी थ्री इज। अब ऑप्शन में देखो सब में ये पूरे समेशन को रिड्यूस कर दिया है सिर्फ दो टर्म में, तो देखो अगर हम समेशन करेंगे तो सब में प्लस आएगा और ऑप्शन में दे रखा है माइनस, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा कोई टर्म। ठीक है पहले समेशन एक्सपेंड करके लिखते हैं। ठीक है तो पहले के इज इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा 51 सी थ्री प्लस 50 सी थ्री प्लस 49 सी थ्री प्लस 48 सी थ्री प्लस 47 सी थ्री प्लस 46 सी थ्री प्लस 45 सी थ्री। अब आप देखो एक कॉन्सेप्ट बाइनोमियल बहुत फेमस पढ़े हो, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इजकल टू एन प्लस वन सी आर। तो देखो इसको बनाने के लिए हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एनसीआर है तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, तो हम देखते हैं देखो सब जगह सी फोर है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 45 सी चार माइनस 45 सी चार। चार तो देखो हमें ऑप्शन की वजह से करना पड़ा और ये 45 इसलिए क्योंकि लास्ट में हमारा 45 आ रहा है इसलिए। अब देखो एनसीआर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इन दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा एन प्लस वन जो कि बनेगा 46 सी फोर। अब अगर इसे देखो और इसे देखो तो क्या लिखोगे 47 सी फोर। ठीक अब इसे देखो और इसे देखो तो क्या लिखोगे 48 सी फोर। ठीक इसे देखो और इसे देखो तो क्या लिखोगे 49 सी फोर। ठीक इसे देखो और इसे देखो तो क्या लिखोगे 50 सी फोर और इसे कंबाइन करो तो क्या मिलेगा 51 सी फोर और फाइनली जब इसे और इसे कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा 52 सी फोर और फाइनली एक लास्ट में निगेटिव वाला बच गया था क्योंकि एड और माइनस सब्ट्रैक्ट किया था तो 52 सी फोर माइनस 45 सी फोर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया आपका बी। बहुत आसान क्वेश्चन था।